तो आज हम यूनिट 3 का सब टॉपिक 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने यूनिट 1 का सब टॉपिक 1 और सब टॉपिक 2 डिस्कस कर लिया था। आज हम सब टॉपिक 3 देखने वाले हैं। इसके अंदर आता है द सेंटर स्टेट रिलेशंस, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव। जैसे कि आपको पता है, हमारा देश जो है, हमारे देश का संविधान एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा कहा जाता है। जैसे कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने ये कहा कि हमारा संविधान एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पे डिबेट है कि क्या सच में हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हम अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको मॉडल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन लेके चलते हैं। हम ये मानते हैं कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वही कॉन्स्टिट्यूशन एक ट्रूली फेडरल है। तो हम देखते हैं कि क्या हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेरिका की तरह है। तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेंटर को ज़्यादा पावर्स दी गई है, सेंटर ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी वाइज्ड है, जिसको हम क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को केसी वियर ने, जो कि एक थिंकर हैं, जो हम कह सकते हैं एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्वासी फेडरल कहा। कुछ लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कोऑपरेटिव फेडरल कहा। तो हम इस कंक्लूजन पे, इस कॉमन कंक्लूजन पे आके पहुंचते हैं कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है, मतलब कि उसमें सेंटर ज़्यादा पावरफुल है, उसमें सेंटर को ज़्यादा पावर्स दी गई हैं। इसी के रिगार्डिंग हम देखेंगे कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अगर एक देश, एक संविधान फेडरल है तो उसमें ये भी लिखा होना चाहिए कि भाई स्टेट की पावर्स क्या है, स्टेट के डोमेन्स क्या है, स्टेट कहाँ पे लॉज बना सकती है, स्टेट की अथॉरिटी क्या है, सेंटर की अथॉरिटी क्या है, सेंटर स्टेट में इंटरवेन कब कर सकता है। ये सब लिखा होना जरूरी है, तभी ये कंट्री जो है ट्रूली फेडरल कंट्री होती है, जब फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो दोनों सेंटर के और स्टेट के, दोनों जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी पावर्स को क्लियरली डिफाइन किया जाए, उनकी पावर्स को मेंशन किया गया है हमारे संविधान के अंदर, जिसमें हम देखते हैं कि तीन तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिफाइन किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस, जिसमें हम देखते हैं कि सेंटर के लेजिस्लेटिव पावर्स क्या हैं, स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर्स क्या हैं। लेजिस्लेटिव का मतलब हो गया लॉ मेकिंग की पावर्स, सेंटर कहाँ पे लॉज बना सकता है, स्टेट किन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बना सकता है, वो सब हम लेजिस्लेटिव पावर्स में देखते हैं। जिसमें हम देखते हैं कि पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, पार्लियामेंट कहाँ कहाँ पे लॉज बना सकता है, किन किन एरियाज में लॉज बना सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर का डोमेन क्या है, वो कहाँ कहाँ पर लॉज बना सकता है। उसके बाद हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने लॉज तो बना दिए, लॉज को इम्प्लीमेंट भी तो करना है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होती है लॉज की, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव आता है। तो हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के अंदर हम देखते हैं सेंटर और स्टेट के एग्जीक्यूटिव रिलेशंस क्या है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस क्या है, जिसमें हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से रन की जाएगी। तो ये सब सेंटर स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के अंदर आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनेंशियल रिलेशंस क्या हैं दोनों के। एक घर चलाना हो तब भी पैसा चाहिए, एक स्टेट चलानी हो तब भी के पैसा चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन चलाना हो तब भी पैसा चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव का काम अधूरा रह जाएगा जब पैसे ही नहीं होंगे। पार्लियामेंट कैसे लॉज बनाएगा, लेजिस्लेचर कैसे लॉज बनाएगा, उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी जब पैसे ही नहीं है, जब फिर जो पैसों के रिलेटेड मामले हैं वो ट्रूली मेंशन ही नहीं किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो हम देखते हैं कि फाइनेंशियल रिलेशंस के अंदर ये डिफाइन किया गया है कि सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे हैं। तो हम तीनों रिलेशंस को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेजिस्लेटिव जानेंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जानेंगे, और फिर हम फाइनेंशियल रिलेशंस को जानेंगे। तो अब हम सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर्स देख रहे हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशंस देख रहे हैं, किस तरह से हमारे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं
वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किए गए हैं। तो जब हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात करते हैं तो हमारा जो संविधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 255 तक लेजिस्लेटिव रिलेशंस का जिक्र किया गया है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस को मेंशन किया गया है। इनको क्लियरली इसलिए मेंशन किया गया है संविधान के अंदर कि कोई फर्दर कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है, या फिर हम कह सकते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली मेंशन किए गए हैं। तो जब हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओरिजिनली 3 लिस्ट प्रोवाइड की गई थी, हम जिसमें हम देखते हैं हमारे पास यूनियन लिस्ट थी, कॉन्करेंट लिस्ट थी और एक स्टेट लिस्ट थी। तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसपे यूनियन कानून बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कौन से ऐसे डोमेन्स हैं जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन लिस्ट की। तो यूनियन लिस्ट के अंदर ऑलमोस्ट 100 के आसपास सब्जेक्ट्स आते हैं, वो फील्ड्स आते हैं जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। तो हम देखते हैं कि ये जो मुद्दे हैं, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, करेंसी है, इन सब मुद्दों के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक एक्सक्लूसिव पावर है, मतलब कि उसके ऊपर, इन डोमेन्स के ऊपर, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉज बना सकती है, एक एक्सक्लूसिव पावर है। उसके बाद हम देखते हैं हमारी कॉन्करेंट लिस्ट, ये वो लिस्ट है जिसके अंदर 52 के आसपास सब्जेक्ट्स आते हैं, इस लिस्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, लेकिन इसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने कानून बना दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून जो है, लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा, वो जो है ओवरराइड कर देगा स्टेट लॉ को। सिंपल सा मतलब इसका ये हुआ कि कॉन्करेंट लिस्ट में अगर स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाती है, तो उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ जो है वो माना जाएगा, वो प्रिवेल करेगा। इसके अंदर जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि एजुकेशन आ गया, इस तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं जिसपे दोनों गवर्नमेंट्स जो है, सेंट्रल और स्टेट, कानून बना सकती हैं। उसके बाद हम देखते हैं रेजिडरी पावर्स या फिर रेजिडरी लिस्ट, ये वो लिस्ट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली मेंशन नहीं की गई थी। इस लिस्ट के अंदर क्या आता है, जैसे 1947 के आसपास टेक्नोलॉजी का या फिर हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका ज्यादा कंसेप्ट नहीं था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने यह कहा कि कोई भी वो डोमेन्स, कोई भी वो फील्ड्स जो बाद में फ्यूचर में उभर कर आएंगे, उन फील्ड्स के ऊपर, उन फील्ड्स को, उन सब्जेक्ट्स को जो है रेजिड्यूरी पावर्स के अंदर रखा जाएगा, रेजिड्यूरी लिस्ट के अंदर रखा जाएगा, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। तो हमने यूनियन लिस्ट डिस्कस कर लिया, कॉन्करेंट लिस्ट डिस्कस कर लिया, रेजिड्यूरी लिस्ट भी डिस्कस कर लिया, लेकिन हमने अभी स्टेट लिस्ट डिस्कस नहीं किया। मैंने स्टेट लिस्ट पहले डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि हम स्टेट लिस्ट में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जब हम स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर 61 के आसपास सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, सैनिटेशन हो गया, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर आते हैं। इन सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेट कानून बना सकता है, इन सब सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेट के पास पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो लॉज बना सकता है, इन सब सब्जेक्ट्स के ऊपर लेजिस्लेट कर सकता है, लेकिन स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉज बनाने की पावर स्टेट के पास ही नहीं है, या फिर एक्सक्लूसिवली स्टेट्स के पास ही नहीं है। स्टेट बना तो सकता है, लेकिन साथ ही साथ 5 ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी की सिचुएशंस हैं जिस टाइम पे पार्लियामेंट भी स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉज बना सकता है, इन सब सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बना सकता है। तो उन 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस को हम डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे कि 5 वो कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिन सिचुएशंस के ऊपर पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेजिस्लेट कर सकती है, लॉज बना सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 249 के अंदर, सबसे पहली सिचुएशन है आर्टिकल 249। अगर राज्यसभा को लगता है कि पार्लियामेंट को
स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाना चाहिए क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट में है या फिर ये देश हित में है, तो राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है जिसके अंदर 2/3 मेंबर्स की मेजॉरिटी चाहिए उस रेजोल्यूशन को पास होने के लिए। अगर राज्यसभा के अंदर एक रेजोल्यूशन पास होता है 2/3 मेजॉरिटी के साथ, जिसमें राज्यसभा को लगता है कि किसी स्टेट लिस्ट के किसी एक या दो सब्जेक्ट्स के ऊपर पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए, पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के उस सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकता है और वो लॉ जो है 1 साल तक वैलिड रहेगा, फिर 1 साल के बाद उसको रिन्यू किया जा सकता है, दोबारा बनाया जा सकता है। सेकेंड जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है उसके अंदर आता है आर्टिकल 250। आर्टिकल 250 क्या कहता है? आर्टिकल 250 कहता है कि अगर जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी, नेशनल इमरजेंसी होती है जब पूरे देश में एक आपातकाल लग जाता है, एक नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, उस वक्त नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर, स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकता है। उसके बाद हम तीसरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन की बात करेंगे, हम देखेंगे आर्टिकल 252। आर्टिकल 252 ये कहता है कि अगर दो या फिर दो से ज्यादा स्टेट्स का लेजिस्लेचर, मतलब अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स ये रिक्वेस्ट करती हैं, ये अपने लेजिस्लेचर में मेमोरेंडम पास करती है या रेजोल्यूशन पास करती है और पार्लियामेंट को ये रिक्वेस्ट करती है कि पार्लियामेंट किसी एक या एक से ज्यादा स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाए, तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकता है जो सब्जेक्ट दो या दो से ज्यादा स्टेट्स ने रिक्वेस्ट किए हों पार्लियामेंट को। लेकिन याद रहे, जब पार्लियामेंट लॉ बना रहा है तो वो उन्हीं स्टेट्स के स्टेट सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बना सकता है जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, सभी स्टेट्स के स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉज नहीं बना सकता है। इसका सिंपल समझ लो यही हुआ कि अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स ये रिक्वेस्ट करती हैं पार्लियामेंट को कि हमारे किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर, आप स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर लॉज बनाइए, अब हमसे ये सब्जेक्ट संभल नहीं रहा या हम इस पे लॉज नहीं बना पा रहे हैं, तो पार्लियामेंट को ये कंट्रोल मिल जाता है कि वो लॉज बना सकता है लेकिन उन्हीं स्टेट्स के ऊपर जिन स्टेट्स ने रिक्वेस्ट किया है और उन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर जो सब्जेक्ट्स उनको, जो सब्जेक्ट्स पार्लियामेंट को दिए गए हैं या रिक्वेस्ट की गई है। उसके बाद हम फोर्थ सिचुएशन देखेंगे, तो फोर्थ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है उसके अंदर हम देखते हैं आर्टिकल 253। आर्टिकल 253 कहता है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने कहीं कोई एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की है और उस ट्रीटी को इंप्लीमेंट करवाने के लिए अगर किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाना पड़े, तो पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। इसकी हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो इंडियन गवर्नमेंट ने कहीं पे एक ट्रीटी साइन की है, इंटरनेशनल ट्रीटी क्लाइमेट चेंज के ऊपर या फिर ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। अब मान लो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एग्रीकल्चरल वेस्ट से भी होती है, तो अब पार्लियामेंट को लगता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना होगा तो हमें एग्रीकल्चर को भी कंट्रोल करना होगा, लेकिन एग्रीकल्चर तो स्टेट लिस्ट में है, तो इस वक्त पार्लियामेंट एग्रीकल्चर के ऊपर या फिर स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर लॉज बना सकता है। उसके बाद हम फिफ्थ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन की बात करेंगे, उसके अंदर आता है आर्टिकल 356। इसमें बात की गई है प्रेसिडेंट रूल की। मान लो किसी एक स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में लगा हुआ था 2019 के टाइम पे जब यहाँ पे डिसॉल्यूशन हुआ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो प्रेसिडेंट रूल क्यों लगता है? जब कोई एक सरकार, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम नहीं करती है, उस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। हालांकि ये जो है काफ़ी डिस्प्यूटेड है इंडिया के अंदर, कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऐसे भी प्रेसिडेंट रूल लगा देती है स्टेट्स गवर्नमेंट्स को परेशान करने के लिए या फिर अपनी डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज दिखाने के लिए या फिर पावर के लिए। लेकिन जो भी है, हमें देखने को मिलता है कि जब भी किसी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगता है, उस वक्त पार्लियामेंट के पास ये अधिकार आ जाता है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकती है। तो ये हमने देखे लेजिस्लेटिव रिलेशंस। इसमें हमें क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला कि जब हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, हमें देखने को मिलता है कि सेंटर का पलड़ा भारी है, जहां पे हमें देखने को मिलता है कि सेंटर के पास काफी सारी पावर्स हैं,
जब हम यूनियन लिस्ट की बात करते हैं उसमें तो सेंटर के पास एक्सक्लूसिव पावर्स हैं, उस पर तो लॉस बना ही सकता है। जब हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं उसमें हमें देखने को मिलता है कि दोनों लॉस बना सकते हैं, लेकिन जब सेंटर भी लॉ बनाएगा, स्टेट भी लॉ बनाएगी, तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम रेजिडुअरी पावर्स देखते हैं, वो तो सेंटर को ही दे दी गई हैं। उसके बाद जो स्टेट को थोड़ा बहुत दिया है स्टेट लिस्ट के अंदर 61 सब्जेक्ट्स, उसके अंदर भी हम देखते हैं 5-6 ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लॉस बना सकता है। उसी के साथ साथ हमें और भी कुछ प्रोविजंस दिखने को मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जो ये बताते हैं कि सेंटर काफी पावरफुल है। जैसे कि हमारे पास आर्टिकल 200 है। आर्टिकल 200 इस चीज की बात करता है कि कोई भी अगर बिल स्टेट लेजिस्लेचर में पास होता है, गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट की असेंट के लिए रिजर्व कर सकता है या उस बिल को होल्ड कर देता है, कर सकता है। तो हमारी हमें देखने को मिला है जैसे अभी रिसेंट टाइम्स में तमिलनाडु के अंदर, बहुत सारी स्टेट्स के अंदर, अरविंद केजरीवाल जैसे दिल्ली के अंदर, हमें देखने को मिला है कि इस चीज का, इस आर्टिकल 200 का मिसयूज करता है गवर्नर। क्योंकि गवर्नर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो बार बार स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अफेयर्स के अंदर इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर देता है, जो कि काफी डिस्प्यूटेड फैक्ट है। उसके बाद हमें आर्टिकल 155 देखने को मिलता है। आर्टिकल 155 ये कहता है कि जो गवर्नर है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, गवर्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अप्रूवल के ऊपर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर किया जाता है। तो हम मेनली ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो गवर्नर को अपॉइंट कर सकते हैं कहां पे, स्टेट्स में। तो जब गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी स्टेट्स के अंदर, तो वो साधारण सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ लिंक्ड होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड होगा और उन्हीं के इशारे पे काम करेगा स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी के अंदर इंटरफेयर करेगा। तो ये सब हमें देखने को मिलता है, ये सब ये दर्शाते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्वासी फेडरल है, वो जो है सेंट्रल बायस्ड है, ये यूनिटरी बायस्ड है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पलड़ा भारी है और स्टेट गवर्नमेंट का पलड़ा जो है वो हल्का है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। तो जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 11 में मेंशन किए गए हैं, आर्टिकल 256 से लेके आर्टिकल 263 तक। तो इन आर्टिकल्स के अंदर ये क्लियरली डिफाइन किया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कैसे हैं, लॉज जो बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से हैंडल होगी, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के अंदर आता है। हम देखते हैं कि एक फेडरल पॉलिटी या फिर एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तब ही कामयाब हो सकता है जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन हो, एक तालमेल हो। तो जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 256। आर्टिकल 256 ये कहता है कि स्टेट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स इस तरीके से इस्तेमाल करेगी कि वो कंप्लायंस रखें सेंट्रल या फिर यूनियन लॉज के ऊपर। मतलब कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर्स इस तरीके से यूज होनी चाहिए कि जो सेंट्रल लॉज हैं, जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए लॉज हैं, को वो कॉन्ट्राडिक्ट ना करें, उनको वायलेट ना करें। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 257। आर्टिकल 257 ये कहता है कि स्टेट्स अपनी पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगी कि वो यूनियन गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स को वायलेट करें। इसके अंदर आता है कि अगर ऐसा होता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स को वायलेट करती है, तो ये मान लिया जाए स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया है, फिर वो स्टेट जो है अब कॉन्स्टिट्यूशनली काम नहीं कर रही है, तो आर्टिकल 356 के तहत उस स्टेट में प्रेजिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 258। आर्टिकल 258 ये कहता है कि प्रेजिडेंट किसी भी स्टेट ऑफिशियल को, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो ऑफिसर्स काम करते हैं, प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट ऑफिशियल को कोई भी फंक्शन असाइन कर सकता है, प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट ऑफिशियल को कोई भी फंक्शन असाइन कर सकता है, दे सकता है, कोई भी काम दे सकता है। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 258 का क्लॉज 2। आर्टिकल 258 का क्लॉज 2 ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट को अपनी स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करना होगा यूनियन लॉज को इन्फोर्स करने के लिए, जो भी लॉज पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं उनकी इन्फोर्समेंट के लिए स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल स्टेट को करना होगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 262। आर्टिकल 262 पार्लियामेंट को इम्पावर करता है, ये
कि अगर दो या दो से अधिक स्टेट्स के बीच कोई कंफ्लिक्ट चल रहा है या कोई डिस्प्यूट चल रहा है, किसको लेकर? रिवर वाटर शेयरिंग इशू को लेकर। जैसे कि आपको पता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग रिवर्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बहती है, तो हमारे यहाँ काफी सारे डिस्प्यूट्स अलग स्टेट्स के बीच हमें देखने को मिलते हैं रिवर वाटर को लेकर, जैसे तमिलनाडु में या बहुत सारी वेस्ट बंगाल में या अलग अलग स्टेट्स के अंदर। तो आर्टिकल 262 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि अगर दो या दो से अधिक स्टेट्स के बीच रिवर वाटर को लेके कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उसके लिए वो 3 मेंबर रिवर वाटर ट्रिब्यूनल बना सकता है। 3 लोगों का एक रिवर वाटर ट्रिब्यूनल बना सकता है, उन इश्यूज को सुलझाया जाएगा, सब स्टेट्स के उस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 263। आर्टिकल 263 यूनियन गवर्नमेंट को या प्रेसिडेंट को यह पावर देता है कि वो इंटर स्टेट काउंसिल एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल किस लिए एस्टैब्लिश कर सकते हैं? ताकि अलग अलग स्टेट्स के बीच एक कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन एस्टैब्लिश हो सके। मतलब कि आर्टिकल 263 यूनियन गवर्नमेंट को या प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो एक इंटर स्टेट काउंसिल एस्टैब्लिश कर सकते हैं। किसके लिए? अलग अलग स्टेट्स के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए, कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए, कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 312 की। आर्टिकल 312 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकता है। हमारे देश के अंदर इस वक्त 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, IAS, IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज को बना सकता है, नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकता है। लेकिन कब? सिर्फ तब जब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करती है जिसको 2/3 मेंबर्स सपोर्ट करते हैं, 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर कोई रेजोल्यूशन पास होता है राज्यसभा में, तो उस रेजोल्यूशन के तहत प्रेसिडेंट के पास ये पावर आ जाती है कि वो एक नई ऑल इंडिया सर्विस या दो नई ऑल इंडिया सर्विसेज या जितनी कही गई हो उतनी ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर है JKPSC, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे यूपी के अंदर है UPPSC, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट ऑफिशियल्स को अपॉइंट करता है या अलग अलग एग्जाम्स लेता है, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? उनको गवर्नर अपॉइंट करता है स्टेट का। किसकी कंसल्टेशन के साथ? काउंसिलर मिनिस्टर की कंसल्टेशन के साथ, जो चीफ मिनिस्टर के द्वारा हेड किए जाते हैं। मतलब कि चीफ मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस के ऊपर या कंसल्टेशन के बाद गवर्नर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट कर सकता है। लेकिन अगर उनको हटाना हो उनके टेन्योर से पहले, तो कौन हटा सकता है? सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटा सकता है। तो ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन हमें देखने को मिलता है सेंट्रल स्टेट के बीच। तो हमने ये जाना कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कैसे हैं सेंट्रल स्टेट के बीच। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे सेंट्रल स्टेट के बीच फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फाइनेंशियल रिलेशंस की। जब हर कुछ पैसे से ही चलता है तो पैसे का हिसाब किताब भी तो होना चाहिए। तो संविधान हमारा ये कहता है कि पैसे का हिसाब किताब किस तरह से किया जाएगा, फाइनेंशियल रिलेशंस क्या है सेंट्रल और स्टेट्स के। तो जब हम फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा संविधान का पार्ट 12 है उसके अंदर हमारे फाइनेंशियल रिलेशंस की बात की गई है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, आर्टिकल 268 से लेके आर्टिकल 293 के अंदर। जब हम फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर एक GST टैक्स लाया गया, एक GST काउंसिल लाई गई, जिससे हमारे देश के फाइनेंशियल रिलेशंस जो थे सेंटर और स्टेट के वो पूरे तरीके से चेंज हो गए। ये जो GST लाया गया था, ये एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 279, क्योंकि हमारे देश में 2016 में एक अमेंडमेंट हुई थी जिसको हम 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 कहते हैं। उस अमेंडमेंट के तहत कहा गया कि हमारे देश में GST लाया जाएगा। GST का मतलब ये था कि पहले हमारे देश के अंदर बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, बहुत अलग अलग टैक्सेस लगते थे, लेकिन अब ये कहा गया कि पूरे देश में एक तरह का टैक्स लगाया जाएगा, तो एक यूनिफॉर्मिटी आई टैक्स के अंदर हमारे देश के अंदर। तो जो हमारी GST काउंसिल होती है, जो GST होता है, उसके अंदर हमारी यूनियन और स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। जैसे हमारे यूनियन की निर्मला सीतारमण आ गई, जो हमारे यूनियन ऑफ स्टेट के मिनिस्टर्स हैं सेंटर के, वो आ गए। स्टेट के बाकी सारी 28 स्टेट्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। तो जो हमारे फाइनेंशियल रिलेशंस का एक सिनेरियो था वो बदल गया GST के आने के बाद। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 268 के अंदर उन सब टैक्सेस की एक लिस्ट है जो सेंटर के द्वारा लगाए जाते हैं, लिवाइड बाई सेंटर, लेकिन
स्टेट के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। कलेक्टेड आर अप्रोप्रिएटेड बाई स्टेट्स, जो सेंटर के द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन कलेक्ट या फिर अप्रोप्रिएट किसके द्वारा किए जाते हैं, स्टेट्स के द्वारा किए जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल है जैसे स्टैंप ड्यूटीज आ गई, एक्साइज ड्यूटीज आ गई, ये सब टैक्सेस। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 269 की। आर्टिकल 269 के अंदर आता है कि वो टैक्सेस जो लगाए भी सेंटर के द्वारा जाते हैं, कलेक्ट भी सेंटर के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन उसकी जो देख रेख है असाइन किसको कर दिए जाते हैं, स्टेट को कर दिए जाते हैं। इसकी अगर एग्जाम्पल हम लें जैसे कि सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 270। आर्टिकल 270 के अंदर आता है वो टैक्सेस जो लगाए भी सेंटर के द्वारा जाते हैं, कलेक्ट भी सेंटर के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन उन टैक्सेस को सेंटर और स्टेट दोनों के बीच बांटा जाता है। जो रेवेन्यू जनरेट होता है उन टैक्सेस का, वो सेंटर और स्टेट दोनों के बीच बांटा जाता है, लेकिन वो टैक्स लगाए भी सेंटर के द्वारा जाते हैं, कलेक्ट भी सेंटर के द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टेट को कुछ ऐसी आइटम्स दी गई है, जैसे 19 के आसपास आइटम्स स्टेट को दी गई है जिसके ऊपर एक्सक्लूसिवली स्टेट टैक्सेस लगा सकती है। उसके बाद सेंटर को भी 12-13 आइटम्स ऐसी दी गई है जिसके ऊपर सेंटर एक्सक्लूसिवली टैक्सेस लगा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 275 आता है। आर्टिकल 275 ये कहता है कि जो ग्रांट्स इन एड या जो पैसे या जो फंड स्टेट्स को प्रोवाइड किया जाता है सेंटर के द्वारा फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के ऊपर, उसके प्रोविजंस जो है वो आर्टिकल 275 के अंदर दिए गए हैं। मतलब कि स्टेट्स को किस तरह से ग्रांट्स इन एड प्रोवाइड करना है सेंटर के द्वारा, किसकी, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के ऊपर, उसके प्रोविजंस, वो सब डिटेल्स आर्टिकल 275 के अंदर दी गई है। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 कहता है कि एक फाइनेंस कमीशन एस्टेब्लिश किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 5 सालों के लिए भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक फाइनेंस कमीशन एस्टेब्लिश करेंगे, एक फाइनेंस कमीशन की बॉडी एस्टेब्लिश करेंगे जिसमें एक चेयरमैन होगा, 4 अदर मेंबर्स होंगे। उस फाइनेंस कमीशन का काम क्या होगा, वो फाइनेंस कमीशन जो है यूनियन गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देगा। किस चीज की रिकमेंडेशंस देगा, टैक्सेस की रिकमेंडेशंस देगा, नेट प्रोसीड्स की रिकमेंडेशंस देगा, किस तरह से फाइनेंस का यूज करना है उसकी रिकमेंडेशंस देगा, जैसे जो ग्रांट्स इन एड है उनकी रेशियो क्या देनी है स्टेट्स को उसकी रिकमेंडेशंस देगा, उसी के साथ साथ जो रिसोर्सिस का एलोकेशन करना है अलग अलग स्टेट्स को पूरे देश भर में उसकी रिकमेंडेशंस कौन देगा, फाइनेंस कमीशन देगा जो प्रेसिडेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाएगा जिसके अंदर एक चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स होंगे और वो यूनियन गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देगा फाइनेंशियल मैटर्स के रिलेटेड। तो जब हम आर्टिकल 275 और 280 की बात कर रहे हैं, ये कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं दो। अगर हमने पूरे फाइनेंशियल रिलेशंस के अंदर जब आर्टिकल्स को डिस्कस किया, उन सारे आर्टिकल्स के अंदर ये दो आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थे हमारे फाइनेंशियल रिलेशंस सेंटर और स्टेट के बीच में। तो आज हम अपने इस लेक्चर की कंक्लूजन तक आ पहुंचे हैं जिसके अंदर हमने देखा भारत के अंदर लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और साथ ही साथ फाइनेंशियल रिलेशन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, जिसमें हमने देखा कि सेंटर का पलड़ा हमेशा भारी रहता है कि वो काफ़ी पावरफुल है, उसके पास काफ़ी पावर्स हैं। उसी के साथ साथ हमने देखा कि किस तरह से हमारे देश के अंदर सेंटर स्टेट रिलेशंस अलग अलग तरीके से डिफाइन हुए हैं। ये पार्ट थोड़ा सा फैक्चुअल जरूर था और साथ ही टफ भी था, और ख़ास करके मैं अगर बात करूं फाइनेंशियल रिलेशंस की तो वो काफ़ी टफ थे। लेकिन उसी के साथ साथ एक बात और है कि हमने इस वीडियो के अंदर सारे के सारे तीनों रिलेशंस को कवर कर लिया है, जो कि हमने काफ़ी फास्ट किया है। अगर आप पूरे यूट्यूब पर चेक करेंगे तो इससे फास्ट कहीं पर आपको वीडियो नहीं दिखेगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपके साथ इसी यूनिट के सब टॉपिक 4 के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।